सो गाइस दिस इज द पार्ट टू ऑफ परफेक्ट 220F। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 220F मैंने कितने बजट के अंदर लिया था, सेकंड हैंड और ये BS3 मॉडल है। आज इस वीडियो में इसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सब कुछ हम रेक्टिफाई करेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे इस बाइक में बहुत सारा के लिए प्रॉब्लम है, मैंने देख लिया पर्सनली। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो बोला था कि भाई आपका ड्रीम बाइक बताओ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई 220F, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा ड्यूक 390, KTM, RC 390 और अपाचे हो गया। तो इस हिसाब से बहुत सारे बाइक बोले हैं, मैंने सोचा कि भाई सब लोग 220 बोलेंगे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाला है 220 का, तो शुरू से एंड तक देखना, मेरे साथ रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस ये पल्सर 220 BS3 मॉडल, इसका जो सिल्वर कलर का देख सकते हैं इंजन, और इसका जो साइलेंसर है वो सिल्वर कलर का है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका मीटर में, देखो क्या का प्रॉब्लम है। दो ये सेकेंड हैंड बाइक है, इसमें हम थोड़ी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चाबी ऑन करेंगे और देखेंगे कि मीटर में कोई इशू है नहीं। मैंने चेक कर लिया है, मीटर में कोई भी इशू नहीं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। बट जो सेंसर है, देखो इसमें तीन सेंसर आते हैं, एक्चुअली ये चार है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहला जो ये आपको देख रहे हैं, ये आपका लो इंजन ऑयल। अगर आपके बाइक में इंजन ऑयल बहुत ही कम है तो आपका ये वाला इंडिकेटर चालू हो जाएगा, मतलब स्टार्ट होने के बाद। और यहाँ पे देखो दूसरा है आपका एयर फिल्टर में, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है मतलब कचरा वगैरह जाता है तो आपको यहाँ पे वार्निंग लाइट दे देगा कि आपको एयर फिल्टर क्लीन करना चाहिए। तो काफ़ी मॉडर्न ये 220F है। और जो थर्ड है देख सकते हैं टेम्परेचर का सेंसर बना हुआ है, ये आपका इंजन ऑयल टेम्परेचर। अगर आप बाइक कॉन्स्टेंट चला रहे हो, आपकी इंजन बहुत गर्म हो चुका है, तो आपका ये वाला सिस्टम चालू हो जाएगा, मतलब इसमें इंडिकेट करेगा कि मतलब कि जैसे कार में होता है कि आपका बाइक का इंजन बहुत गर्म हो चुका है, कार का इंजन बहुत गर्म हो चुका है, तो इसमें ये आपको इंडिकेट करेगा। और ये वाला जो देख रहे हैं ये आपका RPM, मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं RPM 10,000 को क्रॉस करूँगा तब ये वाला आपका RPM लिमिट यहाँ पर आ जाएगा। और ये आपका लो फ्यूल इंडिकेटर भी करता है, इसमें ट्रिप वन ट्रिप टू यहाँ पर टोटल किलोमीटर चला हुआ 16,294। एक्चुअली इसका मीटर जो है, ये वाला सेंसर ख़राब हो चुका है। तो आज के समय में इसका जो मीटर है, मतलब इसमें मीटर में ये वाला प्रॉब्लम है, इसका जो सेंसर है स्पीड सेंसर का, वो ख़राब हो चुका है। तो हम इसको खोल के चेक कर लेंगे, मुझे तो नया लग रहा है ये वाला सेंसर केबल, तो इस केबल में ही प्रॉब्लम है, इसको हम खोल के सर्विस करेंगे, देखते हैं अगर होता है तो ठीक है, अदर इसको हम न्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे किल स्विच वगैरह सब कुछ प्रॉपर का काम कर रहा है। जब भी ये वाला RPM 9 या 10 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला लाइट ब्लिंक करेगा, देखो तो गाइस एग्जैक्टली 11,000 RPM जब भी क्रॉस किया बाइक तो यहाँ पे आपका लिमिटर लग गया। इसमें एक्चुअली इंजन ऑयल था बहुत कम, मतलब इसमें इंजन ऑयल का लीकेज, मैंने इसको वॉशिंग किया है, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है इसके इंजन ओवरहीट कर रहा है, क्योंकि तो अगर इसके अंदर इंजन ऑयल नहीं है तो यहाँ पे मीटर में शो क्यों ना कर रहा है, क्योंकि इसका जो मीटर का सेंसर है वो कट चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक जो सेंसर है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट चुका है, इसको हम न्यू लगाएंगे ऑब्वियसली। ये आपका इंजन का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर सेंसर, वो यहाँ पे कट चुका है, तो इंजन ओवरहीट हो रहा है, मीटर में शो नहीं कर रहा है इसलिए। अच्छा, इसके दो स्पार्क प्लग रहता है, स्पार्क प्लग खोल कर चेक करेंगे बाइक का माइलेज क्या दे रहा है, ऑब्वियसली माइलेज नहीं दे रहा है। और यहाँ पे देखो ऑयल लीकेज है, ठीक है, तो ये देखो दुनिया भर की गंदगी। सो बजाज की बाइक में मैक्सिमम इस जगह पे आपका ड्रेन लगता है, ड्रेन बोल्ट, और ये 17 नंबर के चाबी से खुल जाते हैं। अगर आपको फ्लश करना है, महंगा वाला आपको प्रोडक्ट नहीं करना है, ये देखो ये आपका ऑयल निकल गया, देखो मतलब इसका इंजन क्वालिटी देखो, इंजन ऑयल पूरा खत्म हो चुका है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो सही टाइम में ड्रेन हो गया भाई, अदरवाइज इंजन सीज कर जाता। तो इसको हम ड्रेन होने देते हैं, उसके बाद इसका जो इंजन का फ्लशिंग प्रोसेस है, इंजन फ्लश जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर जितना भी गंदगी है वो सपोज निकल जाएगा, तो हम वो वाला प्रोसेस करेंगे। सेकंड गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये जो सेंसर रहता है आपका लो इंजन ऑयल, इंजन अगर कम हो गया तो पता नहीं इस बाइक के साथ सेंसर के साथ क्या दुश्मनी है। पहला तो इसका ये वाला सेंसर ख़राब हो चुका है, ये कट चुका है, ठीक है, ये आपका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। और दूसरा ये होगा लो इंजन ऑयल सेंसर, जो कि यहाँ पे देखो इस तरीके से हुआ है, इसका हालत देखो, ये देखो ये क्या सेंसर है भाई, तो मतलब ये वाला सेंसर भी हमको न्यू लगाना पड़ेगा। तो दो सेंसर हो गया, कम इंजन ऑयल निकला है, मतलब मेरे हिसाब से ये 500 ml इंजन ऑयल होगा, 500 to 600 ml, इसमें लगता है 1200 ml, 1.2 लीटर इंजन ऑयल लगता है, तो आधा निकला है लगभग, बस ओल्ड इंजन ऑयल पड़ा है। तो हम इसको इसके अंदर ओल्ड इंजन ऑयल पहले डालेंगे 500 to 600 ml, उसके बाद इसके अंदर केरोसिन ऐड करेंगे। जी गाइस, केरोसिन ऐड करो, उसमें क्या होगा ना, इसके अंदर जो भी गंदगी है वो निकल जाएगा। प्रोसेस देख लो, इंजन फ्लशिंग का सस्ता जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पैसे नहीं है आपके पास तो ये वाला प्रोसेस कर सकते हो, 100% काम करता है। तो 500 to 600 ml हमको डालना पड़ेगा, लगभग ये 1 लीटर का पाव जाता है, मतलब ये ओल्ड इंजन वाला, ठीक है, मेरे पास पड़ा था, तो हम इसके अंदर डाल देंगे, देखो
ओल्ड इंजन वाला डाल दिया, ठीक है, 500 to 600 लेवल, मतलब जो भी आपके इंजन कैपेसिटी है, मतलब आपके इंजन में अगर 1 लीटर डालता है तो आप 500 ml डाल दीजिए, इसमें 1200 डालते हैं, मैंने 600 डाला है। अभी आता है मेन खेल, ये मेरे पास केरोसिन पड़ा है, तो अब इंजन के अंदर इंजन ऑयल के साथ ही हम केरोसिन डालेंगे, तो लगभग आपको 200-300 ml या फिर 400 ml डालना है केरोसिन। ये देखो हम डाल रहे हैं, तभी मज़ा आएगा। इसके अंदर हमने ओल्ड इंजन ऑयल डाला है और केरोसिन डाला है, तभी बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको स्टार्ट करके ना 1 मिनट रखना पड़ेगा, तो क्या होगा इसके अंदर, इसके हेड में ये जो केरोसिन है वो जाएगा और पूरा इंजन अंदर से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपको इंजन ऑयल ड्रेन भी करना है, तो 1 मिनट हम चालू रखेंगे अभी, पूरा 1 मिनट। सो गाइस हमारा 1 से 2 मिनट हो चुका है, आइडलिंग पे कर रहा है, आई बाइक को हम बंद करेंगे, 1 से 2 मिनट आपको करना है, रेव नहीं करना है, थोड़ा नॉर्मल रेव कर सकते हैं। अभी मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, बाइक का क्या करेंगे, इसका जो ऑयल ड्रेन का बोल्ट है वो हम खोलेंगे, मैंने हाथ से ही टाइट किया था, ये वाला जो बोल्ट है ये देखो, ये देखो, ये देखो, पूरा पतला हो गया इंजन ऑयल, मतलब इसके अंदर जो भी गंदगी था वो सब कुछ निकल गया। इसे कहते हैं भाई सस्ता इंजन फ्लश, जो कि काम एक्चुअली करता है। दोनों ही स्पार्क प्लग एक्चुअली खोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे माइलेज दे रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से क्या है, माइलेज नहीं दे रहा है, तो मैंने सही था, देखो बिल्कुल ब्लैक है तो माइलेज बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, मतलब कितना देगा, मतलब 10-15-16 दे रहा है, तो बट ये वाला स्पार्क प्लग सही है, इसको हम रीयूज कर लेंगे, चल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट हम इसका स्पीड मीटर सेंसर खोल रहे हैं, एक्चुअली इसके स्पीड सेंसर में प्रॉब्लम था, तो देखते हैं अगर सही हो जाता है ग्रीसिंग करने के बाद तो ठीक है। ये हमने इसके एक्सल फ्रंट व्हील खोल दिया, इसका एक्सल रहता है, सेंसर है, सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे ऑब्वियसली केरोसिन से, अगर सही हो जाता तो ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा। इसमें रीडिंग उठ रहा है कि नहीं, वो कोई भी रीडिंग नहीं उठ रहा है, नहीं है कोई भी रीडिंग नहीं उठ रहा है, हो सकता है ये सेंसर खराब हो चुका है, बट मेरे हिसाब से पहले सेंसर सही लग रहा है, हो सकता है वायरिंग में इशू हो सकता है, तो वो हम बाद में चेक कर लेंगे, बट इसका तो ये वाला सोल्यूशन हुआ नहीं, बाकी इसका अभी 0 ही दिखा रहा है। ओवरऑल कंडीशन हम इसका हमने क्लिप निकाल दिया, ये हमारा डिस्क पैड निकल गया, तो डिस्क पैड का क्वालिटी एकदम सही है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार चेक कर लेंगे कि ओरिजिनल है कि नहीं, ऑब्वियसली मुझे तो लग रहा है डुप्लीकेट है, बट इसमें कोई भी ब्रांडिंग है नहीं, तो मतलब डुप्लीकेट या कोई ओरिजिनल लगाता भी नहीं है, मेरे हिसाब से डुप्लीकेट है, पर चल जाएगा, इसको हम यूज़ कर लेंगे या फिर हम ओरिजिनल लगा देंगे, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। तो ये वाला जो कैलिपर है एक्चुअली ओरिजिनल वाइब्री कंपनी का ही है, 220 वाइब्री कंपनी का आता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो रिप्रेजेंट आपको कुछ सीखने को मिलेगा कैलिपर्स से रिलेटेड। ऑब्वियसली ये देखो, इसको पहले हम ठोक के इसका बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये वाला कैलिपर जाम हो चुका है, ये वाला इस तरीके से, तो इसमें देखो इसमें ग्रीसिंग है नहीं, पूरा सूख चुका है, बट ये वाला रबर का क्वालिटी ये सही है, चल जाएगा, और ये भी सही है, हम इसको पूरा केरोसिन से क्लीन करेंगे और इसको वापस से ग्रीसिंग करके लगा देंगे, तो इसमें प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा, फ्रंट का चाहे फ्रंट का हो या फिर रियर का हो, ठीक है, जब डिस्क ब्रेक का सर्विस करो तो उसमें डिस्क ब्रेक देख सकते हैं आप, हमेशा क्या होता है डिस्क ब्रेक चिपक जाता है डिस्क के साथ, मतलब साएं साएं करके साउंड आता है, तो उसमें ये वाला प्ले ख़त्म हो जाता है, तो मैंने इसको ग्रीसिंग कर इसके अंदर, अभी देखो तो ये वाला जो प्ले है, ये वाला हल्का सा प्ले है, तो ये देखो ये वाला रबर का प्ले है, ये होना चाहिए, तब जाके आपका डिस्क का सर्विसिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इस 220F का इसका जो लेफ्ट साइड का सॉकर है ऑयल सील, ये कट चुका है, बट राइट साइड का ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका ऑयल ड्रेन करेंगे, उसका ऑयल सील नहीं चेंज करेंगे, इसका जो ऑयल सील सिर्फ कट गया है, इसको हम ऑयल सील चेंज करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सॉकर ऑयल डालता है, कितना ml डालता है इस पल्सर 220 में, इसका सॉकर जो है आई थिंक 43 mm का होता है, 43 mm या फिर 37 mm का, ये वाला हैंडल पोजिशन है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो हम इसका पूरा ही हैंडल खोल के
बिल्कुल अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीसिंग करने का प्रोसेस पल्सर 220 में क्या रहता है, इसका बॉल बियरिंग कैसे रहता है, तो उसमें उसको देखने के लिए अभी वीडियो को देखो। तो चलिए अभी इसका सॉकर खोलते हैं, उसका जो पूरा असेंबली है मतलब हैंडल असेंबली वो खोल के इसका ग्रीसिंग करते हैं। और हम 220 का जो पूरा वाइजर है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे इसको चुटकियों में ओपन करते हैं। इसका पूरा वाइजर हम निकालने वाले हैं एक्चुअली, और मोस्ट प्रोबेबली इसी वीडियो में इसका इंजन भी खोलेंगे चेंबर, क्योंकि इसके अंदर जो भी काम वगैरह है मतलब मुझे कम से कम बजट में बेस्ट काम चाहिए, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे कम पैसे में 220 का इंजन पूरा A to Z रिपेयर हो जाता है। सो गाइस एक्चुअली इसका टी निकालने के लिए हमको ये वाला पूरा वाइजर असेंबली निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके नीचे एक रॉड है, यहाँ पे देखो ये वाला रॉड, तो इस टी प्लेट बाहर नहीं निकलेगा, ये वाला रॉड हमको निकालना पड़ेगा। तो इस रॉड को निकालने के लिए हमको पूरा ये वाला जो वाइजर है हमको निकालना पड़ेगा। अब वाइजर निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है, चार आपको नट खोलना पड़ेगा, पूरा आपका 220 का वाइजर निकल जाएगा। सबसे पहले आपको करना ये है, यहाँ पे जो 12 नंबर का दो बोल्ट देख रहे हैं जो ऑयल कूलर में लगता है, 1, 2 इसका हमको रिमूव करना है। अगर हम इसमें आए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, 1, 2 यहाँ पे 12 नंबर का दो बोल्ट है, इसको खोलेंगे तो आपका पूरा वाइजर मतलब ये आपका खोलने ये सब खोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा असेंबली ये आपका निकल जाएगा। सो गाइस ये हमारा 220F देख सकते हैं, पूरा पल्सर 150 लग रहा है, और इसमें यहाँ पे इसका वाइजर पूरा निकल गया। इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा कि वाइजर को कैसे फिक्स करते हैं, वाइब्रेशन इशू वगैरह वायरिंग वगैरह। अगर पल्सर 150 का आपको 220 करना है, देखो इधर से इस टैंक से बाकी जो भी पार्ट है, पूरा जो भी पार्ट है वो पल्सर 150 है, मतलब सेम टू सेम लगभग है, तो टैंक भी पल्सर 150 का डल जाएगा सेम टू सेम। सो करना ये आपको पड़ेगा, आपको इसका मेजरमेंट लेके सेम आपको यहाँ पे ये वाला जो कस्टम ब्रैकेट है यहाँ से वेल्डिंग करके ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ये वाला देख रहे हैं ये वाला ढांचा, ठीक है, इसमें आपका जिसमें आपका ऑयल कूलर टाइट होता है ये वाला सेटिंग आपको करना पड़ेगा। ये और ये अगर कर लोगे पल्सर 150 में तो पल्सर 220 का पूरा असेंबली मतलब इसका जो बी वाला पूरा ब्रैकेट है वो आपका पल्सर 150 में डायरेक्ट फिटिंग हो जाएगा। यही मॉडिफिकेशन करने से हो जाता है, बाकी अब इसमें ऑयल कूलर और 220 का साइलेंसर लगा दो और पीछे डिस्क कर दो तो पल्सर 150 और 180 आपका पल्सर 220 हो जाएगा लगभग। इसका हम रिजल्ट निकालेंगे, देख सकते हैं टी में जंग लग चुका है और इसका ये वाला रेसर का पूरा हालत ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीसिंग है नहीं और मतलब इसमें इसके अंदर पानी गया है, तो इसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमें सर चेंज करना ही पड़ेगा। ये देखो ये इसका कौन सेट ये एक्चुअली ऊपर में रहता है, तो चलिए इसका मैं क्लीन कर लेता हूँ, इसका हम नया कौन सेट का प्राइस दिखाता हूँ, नया कौन सेट हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। सो गाइस ये वीडियो 14-15 मिनट का हो चुका है, इससे ज़्यादा हम पार्ट वन को नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो यहीं से कंटिन्यू होगा, इस पार्ट से ही हम नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। 220 को देखो, 220 बाइक से आपको प्यार हो जाएगा, मैं आपको 220 का सारा प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे इसमें रहता है बाइक का, क्या कंडीशन रहता है, भाई ने क्या टेक्नोलॉजी इसमें लगाया है, ये बाइक इतना चला, इतना लोगों का प्यार है। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले बाय बाय, जय हिंद। हाँ तो अगर आप 220 का पार्ट 1 पार्ट 2 कोई भी देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में इसका सारा पार्ट का वीडियो का लिंक मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अपडेट में कर दूंगा, वहां से आप सभी पार्ट देख सकते हैं। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ इस एपिसोड को प्यार देना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।